अगर आपको भी मेरी तरह सर्दी जुकाम खांसी और गले में खराश हो चुकी है तो एक बार इस काढ़े को आप भी बनाइए। और मैंने भी इसको बनाया है और सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो इस तरीके से मैंने जो है आज खजूर और हल्दी का काढ़ा बनाया है, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ में हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और सर्दी जुकाम और खांसी के लिए तो स्पेशल ये अच्छा है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपकी खांसी और सर्दी जुकाम एकदम गायब हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दूध लेना है। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लिया है दोस्तों, और इसको गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। और साथ में मैंने खजूर ले लिए हैं। खजूर आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। मेरे पास थोड़े बड़े वाले खजूर जो होते हैं वो वाले मैंने लिए हैं, और ये काफ़ी स्टिकी होते हैं, एकदम चिपचिपे होते हैं, तो एकदम से सॉफ्ट भी होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए चाकू से भी ये चिपचिप होते हैं, इसको हाथों से ही निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, हाथों से इस तरीके से इसके सीड्स निकाल दीजिए और इसको टुकड़ा करते जाइए, और इस तरीके से चाकू से इसके टुकड़ा करते जाइए, जिससे कि हमको इसको मैश नहीं करना है, मैश बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और मिक्सी में वगैरह भी नहीं चलाना है, इसको हाथों से ही इस तरीके से काटना है। जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप इसको बारीक बारीक काट लीजिए, एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं रखे, ज़्यादा बारीक भी नहीं करे, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो बड़ी आसानी से ये कट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे खजूर के सीड्स निकालकर आप इसको तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 खजूर लिए थे फ्रेंड्स, और इसको मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। दूध के अंदर भी बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं, देखिए अच्छे से उबलने लगा है। उसके बाद आप गैस को मीडियम कर दीजिए, और उसके बाद इसके अंदर हम खजूर डाल देंगे। जब उबाल आ जाए उसके बाद ही खजूर डालिएगा, और इसको जो है अच्छे से चलाइए। दूध को अच्छे से हमें चलाना है, खजूर को अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे खजूर पकता जाएगा उस दूध का कलर भी चेंज होता जाएगा फ्रेंड्स, और जो है दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो हमें जो है इसको लगातार चलाते रहना है, इसको 4 या 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। और बॉईल आता है तो इसको चलाते भी रहना है, नीचे चिपके नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिए, और दूध जलना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए दूध का थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है, इस तरीके से हो चुका है ये। और इसको लगातार बीच बीच में चलाते भी रहना है, एकदम छोड़ नहीं देना है। और खजूर भी इसके अंदर मतलब मिक्स होना शुरू हो चुका है, और ये देखिए दूध का कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए और मैंने इसको पका लिया, यानी कि कुल मिलाकर मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है। और दूध अभी थोड़ा मतलब कम भी हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसके फ्लेवर के लिए इसके अंदर मैंने हल्दी इलायची पाउडर डाल दिया है, साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। इलायची को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हल्दी को 1 मिनट के लिए पकाना है हमें, और उसके बाद हमें गुड़ डाल देना है। गुड़ की जगह पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद 2 मिनट और पकाइए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। गुड़ को लास्ट में ही डालें, अगर आप पहले गुड़ डाल देंगे तो दूध कभी कभी फट जाता है, तो आप ऐसा नहीं करें। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट धीमी आँच पर पकाया है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और लो जी, हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसको एक कटोरी के अंदर डालकर इसको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपीज हमेशा मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। आज मुझे भी थोड़ी सी गले में खराश हो रही थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आप भी इसको बनाइए। अगर आप इसको गुड़ के अंदर बनाएंगे तो और ज़्यादा हेल्दी रहेगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया है। आज चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।